हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नवी अपडेट लेके आए। इस वीडियो में एक बहुत जरूरी अपडेट होगी। ये आप गल करेंगे पंजाब एससी एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप 2021 के लिए, जेके न्यू पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के बीच, यही जरा मैंशन है। तो एक बार इस जरूर पढ़ लेना। स्कॉलरशिप के लिए स्पैशल जरा कि क्राइटीरिया उन्होंने अनाउंस किया है, उसके थ्रू तुम हाउ टू अपलाई फ्रीशिप कार्ड 2021। फ्रीशिप कार्ड जरा कि तुम्हें अपलाई करना पवेगा जेकर किसी भी यूनीवर्सिटी या कॉलेज के पढ़ते हो या स्कूल के स्टडी करते हो, तो जी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे यही सारी डिटेल होगी। तुसी किवें फिल कर सकते हो मैं तुहानू दसना चाहुंदा हाँ। पहला तुहानू अलग तो फॉर्म फिल करना पैना सीगा, हुण तुहानू के फ्रीशिप कार्ड अपलाई करना पवेगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ते, ऑनलाइन जिहड़े कि स्कॉलरशिप पोर्टल ते जाके मैं सारी इस वीडियो में डिस्कस करांगा तुसी किवें करना है। ये जिहड़ी कि तुहानू जरूरी होवेगा अपलाई करना, जेकर कोई भी कैंडीडेट एससी एसटी ओबीसी तो है तो लो इनकम सर्टिफिकेट उहदे कोल है, तो वह इस चीज़ को अपलाई कर सकता है। जेकर उहदे फ्रीशिप कार्ड नहीं अपलाई करता तो उहनू जिहड़ी कि फुल फीस पे करनी पवेगी किसी भी कॉलेज में जिते वो पढ़ता है या फिर यूनिवर्सिटी में। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, तुहानू फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी होगा, नहीं तुहानू फुल फीस जी पे करनी पवेगी। ये आप जे स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पढ़ते हैं या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, लुधियाना यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उस दे बारे ते बहुत सारे कॉलेज पंजाब दे विच हन, तुसी उस दे लई है पोस्ट मैट्रिक ते प्री मैट्रिक जिहड़ी स्कॉलरशिप है। पोस्ट मैट्रिक उन्हां लई जिहड़े कि दसवीं पास तो अबव ने, दसवीं तो क्लास तो उपर ने, चाहे वह एम ए करते हो, बी ए करते हो, बैचलर कोर्स होवे जां ग्रेजुएट मास्टर कोर्स होवे, वह अपलाई कर सकते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जिहड़े कि दसवीं क्लास तो नीचे नीचे ने, उन्होंने स्टूडेंटा ने अपलाई करना है। इस तरह तुसी इहदे विच आपां सारी डिटेल तुहानू दसांगे। जेकर तुसी ये फॉर्म नहीं फिल करते फिर मैं तुहानू दस रहा हाँ तुहानू जिहड़ी कि फुल फीस पे करनी पवेगी। इस चीज़ का तुसी ध्यान रखना है। इस वीडियो आपां वीडियो विच सारी जिहड़ी डिस्कस करांगे की डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, तुसी किवें अपलोड कर सकते हैं, किवें अपना फ्रीशिप कार्ड बना सकते हो। तो मैं फ्रीशिप कार्ड जिहड़ा कि अलग तो बनता है उसका ऑनलाइन जिहड़े कि पोर्टल ओपन हो चुका है, तुसी जल्दी तो जल्दी अपलाई करो। उसकी लास्ट डेट भी है, लास्ट डेट उसकी आपां तुहानू इस वीडियो दे विच दसांगे एंड दे दे विच तुसी कदों तक अपलाई कर सकते हो। इस तरह के कॉलेज वालों यूनीवर्सिटी के वालों आपको नोटिफिकेशन मिल चुके हैं, जिन्हें भी पंजाब के कॉलेज तो यूनीवर्सिटी हैं तुम देख सकते हो। सैशन 2021-22 दौरान कॉलेज विखे दाखिल समूह एससी विद्यार्थियों सूचित किया जाता है कि उन्होंने कॉलेज विखे दाखिले अपना फ्रीशिप कार्ड बनाना जरूरी है, जिस के आधार पर उस विद्यार्थी का दाखला होना है। फ्रीशिप कार्ड लई पोर्टल खुल चुका है, तो आखिरी मिति जी होगी 30 सितंबर 2021 होगी। विद्यार्थी ने अपना फ्रीशिप कार्ड बनाने के लिए वैबसाइट दी है, वैबसाइट पर जाना है तो फ्रीशिप कार्ड अप्लाई करना है। साइट उपर संबंध दस्तावेज अपलोड करके फ्रीशिप कार्ड लई अप्लाई करना है। विद्यार्थियों को फ्रीशिप कार्ड ना हो उस एससी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप लई अप्लाई नहीं होगा, उस विद्यार्थी नूं पंजाब सरकार ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दीआं हदायतां मुताबक पूरी फीस भरनी पवेगी। इस तरह ही पंजाब यूनिवर्सिटी का ही नोटिफिकेशन है भी उन्होंने फुल फीस देनी पवेगी। हुण तुहानूं प्रूफ हो चुके आ, कॉलेज ने अपने जिहड़े कि नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिते ने, जेकर वह फ्रीशिप कार्ड नहीं अपलाई करता वह जिहड़ा स्कॉलरशिप दे लैण दा हकदार नहीं होवेगा। जेकर वह फ्रीशिप कार्ड अपलाई करता तो वह स्कॉलरशिप लई अपलाई कर सकता है, जिस दे नाल उन्हूं फुल फीस नहीं पे करनी पैनी, चाहे वह पंजाब दे विच यूनिवर्सिटी होवे, चाहे वह कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट होवे, चाहे गौरमेंट कॉलेज जां यूनिवर्सिटी होवे। इस चीज़ का तुसी ध्यान रखना है। जल्दी अपने फोन के थ्रू तुसी ये अपलाई कर सकते हो या फिर तुसी किसी कैफे ते जाके अपना यह फ्रीशिप कार्ड अपलाई कर सकते हो। मैं इस करके वीडियो बना रहा हाँ तुसी अपने फोन के थ्रू यह जरा फार्म फिल कर सको अपने घर बैठ के, तुहानू किते जाण दी कोई लोड़ नहीं है। लो जी आपां वीडियो वल चलते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुसी अपने फोन के कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना, मैं तुहानू क्रोम ब्राउज़र ओपन करने लिए ही कहूँगा क्योंकि वह बैटर आ, तुसी उस ते अपलाई कर सकते हो ते अपने दस्तावेज ध्यान नाल उत्ते जिहड़े मंगे ने, ते इस वीडियो विच आपां एंड ते दसांगे तुहानू की दस्तावेज अपलोड करने ने, सारी डिटेल इस विच आपां देखांगे। उस तो बाद आप गल करते, इस तरह का अपने को इंटरफेस आ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर
स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है। तो उस तो बाद इतने स्टूडेंट रजिस्टर से क्लिक कर देना है। इतने देख सकते हो SC ST OBC। उस तो बाद इतने फॉर्म ओपन हो चुका है, तुम्हें की करना है, बिल्कुल जरा टॉप देख अपने कोल ऑप्शन है सिलेक्ट कोटा, तो ये जिन्हें भी अपने गवर्नमेंट ने और नॉन मैनेजमेंट कोटा से आते हैं। उस तो बाद आधार कार्ड नंबर जरा भी थोड़ा होगा, तुम्हें आधार कार्ड नंबर फिल करना है। बहुत केयरफुली तरीके दे नाल तुसीं अपना जिहड़ा कि सारा डाटा फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी, इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। अपना जो भी नंबर आ चाहे तुसीं कैफे तो भरा रहे हो या किसी होर तो ध्यान नाल उस इस तो बाद तो तुसीं अपनी जिहड़ी डिटेल फिल करोगे, अपना नेम फिल करोगे, जो भी तुहाडा नेम है इहदे विच फिल करते जाना। बहुत केयरफुली तरीके दे नाल तुसीं अपनी डिटेल फिल कर देना। उस तो बाद मेल जेंडर जिहड़ा होगा तुसीं जेंडर सिलेक्ट कर लेना। उस तो बाद आपां जिहड़ी कि डेट ऑफ बर्थ बहुत केयरफुली तरीके दे नाल तुसीं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जेकर तुसीं डेट ऑफ बर्थ गलत फिल करते हो तुसीं इस ए स्कॉलरशिप लैण दे हकदार नहीं होवोगे। इस करके तुसीं नोट करना, जेकर कोई भी फॉर्म दे विच गलती होगी तुहानूं स्कॉलरशिप नहीं दित्ती जाएगी। तो पहला तो डायरेक्ट कि फ्रीशिप कार्ड अप्लाई नहीं होगा, बन के नहीं आएगा। इस करके कह रहे हैं तुसी अपनी जी डेट वर्थ आ बहुत केयरफुल तरीके दे फिल करनी है। उस तो बाद नीचे एक अपने को नोट आ जी है पहचान आ UI ID वो जी कि ओनली मैं स्कॉलरशिप के लिए ही फिल कर रहे हैं, एक्सट्रा कोई मेरे मकसद नहीं है। इस करके तुसी रीड कर लेना। उस तो बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उस तो बाद जी कि नीचे करने तो बाद अपन डिटेल फिल करेंगे। नीचे वाला पोर्टल ओपन हो गया अपना। फस्ट जो होगा फादर नेम, जो भी तुहाडे फादर का नेम है तुम फादर नेम फिल कर देना। उस तो बाद जो कि नैक्सट स्टैप अपने को होगा मदर नेम। मदर नेम तुसी अपनी जी मदर नेम सिलेक्ट कर लेना है। ये जो भी तुहाडा मदर नेम है तुसी मदर नेम अपना फिल करते जाना बहुत केयरफुली तरीके। उस तो बाद जो भी तुहाडा है सिख आओ तो सिख कर दौ। उस तो बाद जो कि कैटागरी सिलेक्ट कर दौ, उस कैटागरी फिल करते जायो SC ST OBC जो भी है। उस तो बाद देख सकते हो नीचे अपने को एक होर ऑप्शन है, तुसी अपना जो कि मोबाइल नंबर भी इतने फिल करना है, Gmail ID भी फिल करनी है। मोबाइल नंबर फिल करने तो बाद अपना Gmail ID फिल करते जाना अगर तुम करना चाहते हो, तो कंपलसरी नहीं है। उस तो बाद अपने नोटिफाइड रिवाइड्स जी कि डी वो करना है, जेकर तुसी नहीं हो तो नो कर देना, इस पर नो करांगे। ट्राइब्स जिहड़े कि ST कैटागरी आते हैं। उस तो बाद ईमेल ID है तो तुसी जी अपनी ईमेल ID फिल कर देना। ईमेल ID तुसी अपनी करैक्ट, क्योंकि उस पर अपडेट आते रहने। जेकर कोई स्टूडेंट को जीमेल नहीं है तो तुसी नहीं भी भर सकते, जेकर तुहाडे कोल है तुसी अपनी जीमेल ID जरूर फिल करना, तां जो तुहानू कोई भी नोटिफिकेशन आएगी स्कॉलरशिप को लैके फ्रीशिप कार्ड को लैके तुहानू टाइम के नाल जी कि तुहानू दस दिता जाएगा। उस तो बाद जीमेल फिल करन तो बाद जो कि अगला अपने को ऑप्शन होगा, तुसी देख सकते हो स्क्रीन पर एनुअल इनकम, जो भी तुहाडी एनुअल इनकम आ 2.5 लाख तो घट होनी चाहिए, तुहाडे कोल 2 किले जी जमीन हो सकती है, उस तो 2.5 लाख तो घट जी कि इनकम हो अप्लाई कर सकता। इस चीज़ के लिए तुसी ध्यान रखना है। इस तो बाद जो कि नीचे चलते हैं, तो नीचे जो कि करोसपोंड एड्रैस तो परमानेंट एड्रैस है, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपना वो भी फिल करना है। इनकम तो बाद जो नीचे देख सकते हो अपना फिल करके जो कि करोसपोंड एड्रैस तो परमानेंट। उस तो बाद जो कि सारी डिटेल फिल करने तो बाद इतने कैप्चा शो हो रहा, कैप्चा फिल करके इतने सेव अबव डिटेल एंड रजिस्टर मी इस पर क्लिक कर देना। इस तरह अपन लॉगिन ID तो पासवर्ड मिल जाएगा। तुम गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल एंड लॉगिन पर जाना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उस तो बाद लॉगिन करना है, इस तरह तुम लॉगिन पर क्लिक कर देना है तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के जो कि यूजर ID जो भी तुम्हें मिली है तुम वो लॉगिन ID फिल कर देना। उस तो बाद जो भी तुम्हें पासवर्ड मिलया है जीमेल या नंबर के थ्रू वो तुम फिल कर देना। इतने जो कि यूजर ID फिल कर दी है, उस तो बाद पासवर्ड फिल करेंगा, उस तो बाद इतने कैप्चा शो रहा, उस तो बाद लॉगिन करेंगा। इस तरह का अपन लॉगिन कर दिता है। तो उस तो बाद आप जरा कि अप्लाई फॉर फ्रीशिप कार्ड पर क्लिक करेंगे। इस तरह अपने को साइड पर ऑप्शन आ रहा है, तुम इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने तो बाद अपने को एक इंटरफेस ओपन होगा इस तरह का। सब तो पहला जी पासपोर्ट साइज अपलोड फोटो करनी है, तुम देख सकते हो जी कि लैस दैन 20 KB होनी चाहिए साइज, तुम देख सकते हो जो कि सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने तो बाद जी कि थोड़ी फोटो भी करैक्ट साइज तुम अपलोड कर देनी है। इस तरह का अपने को हो चुकी है, थोड़ी अपलोड हो चुकी है जी कि फोटो कार्डशिप से बन के आएगी। उस तो बाद बैक पर जाना है, तुम अपना बैक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस तो बाद जो कि अपलोड इनकम कास्ट
पास सर्टिफिकेट जिहड़े कि तुसीं सर्टिफिकेट अपलोड करने ने, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट जो भी तुहाडा कास्ट सर्टिफिकेट आ तुसीं वो अपलोड कर देना है PDF दे फॉर्म दे विच तुसीं जिहड़ा कि कर सकते हो। इहदे विच मैंशन है तुसीं PDF दे फॉर्म दे विच भी तुसीं ये फॉर्म जिहड़ा कि PDF उपर देख सकते हो मैंडेटरी है। जेकर PDF नहीं करदे तां उह एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुहानूं PDF दे फॉर्म दे विच अपलोड करना पवेगा। उस तों बाद जिहड़ा कि अपलोड करना पवेगा सर्टिफिकेट, लो इनकम सर्टिफिकेट जां उहदा एफीडेविट भी बनवा के तुसीं अपलोड कर सकते हो। उस तों बाद डाउनलोड सिंपल इनकम सर्टिफिकेट एफीडेविट तुसीं इत्थे उसका देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। जेकर तुहाडे कोल नहीं है तुसीं इस तरह अपलोड कर दिता है, उस तों बाद सक्सैसफुली जिहड़े कि अपलोड हो चुके ने तुसीं देख सकते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ DMC ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DMC ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਪਲੋਡ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ PDF ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੋਰਸ ਈਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ SC ST ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨੋਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 1x1 ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਬਟਨ ਸਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਫਾਰ ਅਪਰੂਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਇਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।